एक ऐसी औषधि जो हम सबके घर में मौजूद है, एक ऐसी औषधि जो हम सबको बहुत सारे रोगों से बचा सकती है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हमारे घरों में पाई जाने वाली सबसे प्रिय हमारी हल्दी। ये हमारे भारतीय शास्त्र में या हमारे कल्चर में सदियों से हमारे घर का हिस्सा रही है। चाहे शादी का फंक्शन हो, जिसमें आज भी हल्दी की रस्म की जाती है, चाहे हमारे भोजन में आज भी हल्दी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हल्दी को वर्ण प्रसादक माना गया है। जी हाँ, हमारे चेहरे के कॉम्प्लेक्शन को, हमारे चेहरे पर आ रही झाइयों को दूर करने में हल्दी का बहुत बड़ा उपयोग है। हम हल्दी को बेसन के साथ मिक्स करके इसका उबटन करते हैं, तो हम इसके स्किन के फेयरनेस और पिंपल्स से छुटकारे वाले बेनिफिट को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा इसका बेनिफिट है, ये हमारे ब्लड में पाई जाने वाली बढ़ी हुई शुगर को कम करने का काम करता है। जी हाँ, हल्दी हमारे डायबिटीज के पेशेंट को, हम हल्दी जब देते हैं तो वो हाई ब्लड शुगर को बैलेंस करने का काम करता है। ये हम आयुर्वेद के वैद्य निशा अमल की टेबलेट का प्रयोग डायबिटीज के पेशेंट पर करते हैं, क्योंकि निशा अमल की में निशा कुछ और नहीं, हमारी हल्दी ही है। तीसरा बहुत अच्छा बेनिफिट है इसका कि ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती है, जो कि हमारी आर्टरीज में जमा हो करके हमें ब्लड प्रेशर का पेशेंट बनाते हैं, कॉरोनरी आर्टरीज का पेशेंट बनाते हैं, या ये बैड कोलेस्ट्रॉल फैटी लिवर की डिजीज को भी पैदा करता है। हल्दी को लेने से हम इन सारी चीजों से छुटकारा पा सकते हैं। हल्दी बहुत अच्छी ब्लड प्यूरिफायर है, जिस वजह से स्किन के लिए बहुत अच्छी औषधि है। साथ में ब्लड प्यूरिफायर होने से ये किडनी को बहुत अच्छा बेनिफिट देती है। किडनी से रिलेटेड रोगों में इससे हम लाभ ले सकते हैं। बहुत सारी रिसर्च में प्रूफ हो चुका है कि कुरकुमिन इसमें जो पाया जाता है वो कैंसर सेल्स को किल करने का काम करता है, लेकिन एक आयुर्वेद डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इसको कैंसर में उपयोग करना चाहिए, क्योंकि कैंसर एक घातक बीमारी है। आर्थराइटिस यानी ज्वाइंट पेन, ज्वाइंट पेन में जब इन्फ्लामेशन की कंडीशन बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, चाहे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, गाउट हो, या ऑस्टियोआर्थराइटिस, वहां पर जो व्यक्ति हल्दी का सेवन करते हैं उनको भी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। हम कई पेशेंट्स को हल्दी का लेप लगाने तक के लिए बोलते हैं, जिससे वहां पे दर्द में उनको रिलीफ मिलता है। पेशेंट्स को बार बार भूलने की बीमारी हो जाती है, या फिर एज रिलेटेड डिसऑर्डर जैसे कि डिमेंशिया की कंडीशन में जिनको प्रॉब्लम होती है, उन पेशेंट्स में BDNF यानी ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर को ये इंक्रीज करने का काम करती है, ऐसा रिसर्च में देखा गया है। उन पेशेंट्स को यदि हम हल्दी का सेवन कराते हैं तो प्रॉपरली उनकी तबीयत में धीमे धीमे करके सुधार आने लगता है। अब हल्दी को लेना कैसे चाहिए, मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूं। आप 2 ग्लास पानी लीजिए, उसमें 1/3 चम्मच हल्दी का डाल के, हल्दी का पाउडर हो उसको डाल सकते हैं, या कच्ची हल्दी को थोड़ा सा इतना सा किस के डाल लीजिए उसमें, और उसको इतना बॉईल कीजिए कि वो 1/2 गिलास रह जाए, और उस हल्दी को आपको सुबह खाली पेट पीना है, जिससे कि आपको ये सारे लाभ मिल सकते हैं। हल्दी के और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, यदि आप उन बेनिफिट्स को जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख करके बताइए, ताकि मैं उन पर भी वीडियो लेकर के आऊं। चलिए, मैं डॉक्टर सेन शर्मा आपसे विदा लेता हूं, धन्यवाद।